मैं जी नहीं पावा। शेरी बिली नशे में, तू छोड़ दे। डोंट शेरी, दिस इज मैडनेस। रो किसको यार? एक सेकंड शेरी देख, अगर तुझे कोई मसला नहीं है तो 5 लाख रुपए दे और जान छुड़ा ले, कोई मजबूरी थोड़ी है। हाँ साले, जब मैं मर गया ना तो बहुत हंसोगे। शेरी डोंट, शेरी यार क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? थोड़ी देर दिमाग क्या पावर हो जाती है अभी। शेर है शेर, ये होता है शेर नर। लेकिन पता है क्या हुआ, शरद हार गया। तो मैं कहां से हार गया शरद? देखो भाई, कोई फजूल के पैसे तो नहीं मांग रहा हूं यार, जान दांव पे लगाइए मैंने। मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगे। तुम्हारे डिप्रेशन और गुस्से का स्पॉट है ना ये। ना तो मैं डिप्रेस्ड हूँ और ना ही किसी बात का गुस्सा है मुझे। Are you sure? मरियम जैसी प्यारी लड़की अगर भाई बोल दे तो गुस्सा तो बनता है। मार खाने का शौक हो रहा है। ओके। लेकिन उसने तुम्हें भाई कहा है, तुम उसे बहन तो नहीं मानते ना? इस बकवास का क्या मतलब है यार? देखो मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें मरियम पसंद है या नहीं? मैंने तुमसे क्या बकवास की है? हाँ या ना मैं जवाब दो। हाँ, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत केयरिंग है और ये केयर मैंने अपनी पूरी जिंदगी मिस किया। तो बस फिर ठीक है, कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो अगर तुम्हारी मोहब्बत में मैं ऐसा कुछ कर दूं तो प्लीज मुझसे लड़ना नहीं। क्या करना चाहते हो? करना चाहता नहीं हूँ, कर आया हूँ। क्या कर आए हो? ओ, कल वैलेंटाइन डे है ना, बताओ तो। मोहब्बत करने वालों का दिन, तो तुम्हारे नाम से एक सुर्ख फूलों का बुके मैंने बुक करवा दिया। यार पागल हो गया क्या? क्या सोच रहे हो? मेरे बारे में तुझे मना भी किया था मैंने। सैम स्टॉप, मोहब्बत की निशानी सैम क्या सोचेगी यार उसको? अच्छा सोचेगी, रिलैक्स, अच्छा सोचेगी। शेरी तुम वो चावल छोड़ दो, ये खाओ, वो ठंडे हो गए, ये गरम है, ये खाओ। अच्छा तुम भी आ जाओ ना यार, खाते हैं साथ में, आ जाओ। हाँ बस आ रही हूँ, ये केक निकाल लूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने दिनों बाद हम खाना खा रहे हैं एक साथ। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। बोलो। कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। तो ले लो ना, मेरी साइड टेबल पे तो पड़े हैं। नहीं कुछ ज्यादा चाहिए। कितने चाहिए? 5 लाख। 5 लाख? हाँ। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे अरेंज कर दो कहीं से, मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। कहाँ से अरेंज कर दो? तुम्हें पता है
जो भी तनख्वाह आती है और वो बिल्स में जाती है और जो बच जाता है वो सेविंग्स हैं। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तो तुम हॉस्पिटल से लोन ले लो। हॉस्पिटल है, बैंक नहीं है। इतने पैसे क्यों चाहिए वैसे? यार हो गया, बस सही है अपनी स्लाइड्स। मैं समझाता हूँ क्यों चाहिए। इधर आओ मेरे साथ। एक मेरा दोस्त है, दुबई में होता है, एक बिजनेस कर रहा है परफ्यूम्स का। ड्यूटी फ्री परफ्यूम्स लाएगा दुबई से। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और कुछ अरसे में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। कहीं से अरेंज कर लूँगा। शेरी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊँ मैं? मरियम इनकार मत करो यार, पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ ढंग का करने जा रहा हूँ, प्लीज। अच्छा सुनो, तुम मत फिक्र करो, मैं कुछ कर लूंगी, आई विल फिगर इट आउट। अच्छा भाई, अब बैठ भी जाओ। क्या सुबह से इधर उधर घूमते जा रहे हो? मुझे यकीन है कि अगर तुम इतना एक सीध में चलते ना, अभी तक हैदराबाद पहुंच गए होते। हैदराबाद तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा अगर ये आइडिया फेल हो गया तो। कहा भी था फूलों वाली डिलीवरी कैंसिल कर दो यार। कमान से निकला हुआ तीर और महबूबा को भेजे हुए फूल लौट कर वापस नहीं आते। अब बस तुम रिजल्ट का इंतजार करो। गड़बड़ तो नहीं होगी? बहुत नाशुक्र हो तुम। एक तो मैंने एन वक्त पे वैलेंटाइंस डे पे तुम्हारे लिए इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और तुम मुझे डांट रहे हो। गारंटी है मेरी ब्रो कि जैसे मैं और टीना वैलेंटाइंस डे मनाएंगे ना, वैसे मरियम जरूर तुम्हें कहीं इनवाइट करेगी और फिर तुम मुझे डांटने के बजाय दुआएं दोगे। वैसे मरियम, हम डॉक्टर्स की भी क्या जिंदगी है यार। लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, कोई चॉकलेट दे रहा है, कोई फ्लावर्स दे रहा है, और हम यहाँ स्केलेटन्स और दवाइयों के साथ फंसे हुए। तो ये बात तो डॉक्टर बनने से पहले सोचनी थी ना, अब तो हमारे पास यही सब है, पैनाडोल और डिस्प्रिन ही हमारे चॉकलेट्स और फ्लावर्स हैं। आई नो यू आर राइट, लेकिन तुम तो हो ही मर्दों से बेजार। मैं तो ऐसी नहीं हूँ, इस पूरे हॉस्पिटल में एक भी हैंडसम और टॉल मुझे लड़का नहीं मिला, सारे नमूने ही भेजे अल्लाह ने यहाँ पे। क्यों, उस डॉक्टर दिलावेज का क्या बना? वो तुम्हें काफी ऑफर्स कराता रहता है ना कुछ सिखाने की। हिम? यू प्लीज नो, उनसे तो कोसों दूर जो है ना दवाई की स्मेल आती है। तो सब ये कुरियर वाला देखिए क्या? ये किसके लिए? मेरे लिए? नहीं, 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 आपके लिए नहीं, ये डॉक्टर मरियम के लिए। मेरे लिए? ओ किसने भेजे? लेट्स सी। With love from Arya. इसका? हाँ, कोरियर वालों का है। फ्लावर्स हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे डिलीवर हो चुके हैं, तो इसका मतलब मरियम तक पहुंच गए होंगे अब तक। I can't make sense of this. ये क्या हरकत की इसने? ये पागल है लड़का ये।
नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फ्लावर्स भेजे तुम्हें, वो भी रेड, वो भी वैलेंटाइंस के दिन, वो भी मतलब यार चुप करो, तुम्हें पता है इसने क्या किया है? क्या बोल रही हो? मैं ऑलरेडी, मेरा दिमाग खराब हो गया, ये इसने क्या हरकत की है? तो तुमसे मैंने कहा था कि he has feelings for you. देखो मेरी बात सच हुई। Listen, what do you mean by feelings, huh? Is he stupid? मालूम, मैंने कल खुद उसे फोन किया है, मैंने कहा है कि तुम मेरे छोटे भाई की एज जितने हो, which means something. He can't just, you know what? मैं अभी उसे फोन करके उसके दिमाग जो है ना। यार ऐसा क्या किया है उसने? फूल ही तो भेजे। शहरी की एज का होने की वजह से तुम्हें लगता है कि वो इमेच्योर, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम उसे वैसे देखो जैसे वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हें अपनी जैसी समझता है, प्लीज। फिर तुम्हें ना उसकी ये हरकत बुरी नहीं लगेगी। तो व्हाट आर यू सेइंग? तुम सुन रही हो अपने आप को? मतलब इस बात का कोई फ्यूचर नहीं है। और तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर है या नहीं मरियम? एक सीधे साधे लड़के ने अपनी फीलिंग्स का स्ट्रेट फॉरवर्डली इजहार किया है और तुम उसको गलत ले रही हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी कहीं उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं। अपने दिल में तुम जगह रखती हो उसके लिए, है ना? तो सो डोंट ट्राई टू इंसल्ट हिम लाइक दिस। मतलब आई एम नॉट इंसल्टिंग हिम, मगर कुछ बातों का एहसास दिलाना उसके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। भाई बैठ जाओ, तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी कोई, इतनी टेंशन लोगे तो। तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था, फजूल में दिल की बात कर दी। अरे फूलों वाला आइडिया बिल्कुल डब्बा निकला, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों वाला। यार आर्यन, तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है ये तरकीब मैं कितनी दफा आजमा चुका हूँ? काफी लड़कियों पर आजमाई है मैंने, आई मीन टीना से पहले, और हर बार कामयाब हुई है। Just believe me. फिर तुम्हारे इस आइडिया को मौत आ गई थी आज। अगर मरियम को फूल मिल गया तो उसने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया यार? गुस्सा ही कर दे पर रिस्पॉन्ड तो करे। इसे रिएक्शन का टाइम तो दो, वो रिस्पॉन्ड करेगी, लिखवा लो। स्वीट। मरियम का मैसेज है। देखा क्या कहा था मैंने? क्या लिखा है मैसेज में? प्लीज मीट मी एट पर्ल मून कैफे शाम 5 बजे। ओहो, ओहो, देखा? बोला था ये तरकीब आजमाई हुई है मेरे दोस्त, काब आ गई ना। इतनी जल्दी कैसे मान गई? अब तुम ये सब छोड़ो, टीना को बताते आओ तैयार होना है तुमने। चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो, अब चलो, कम ऑन लेट्स गो। ये शर्ट बहुत अच्छी लगेगी, परफेक्ट। तुम पागल हो गए हो? वैलेंटाइन्स पे ये पहन कर जाओगे? यार आर्यन, ये देखो, ये अच्छी लग रही है, ये पहन के जाना तुम। आई थिंक तुम्हें व्हाइट शर्ट पहननी चाहिए। व्हाइट शर्ट आफ्टर ऑल हमारा लकी चार्म है। जब भी हमने व्हाइट शर्ट पहनी है तो यू नो व्हाट। नो I mean, कहाँ कहाँ पहन के गए हो ये व्हाइट शर्ट तुम दोनों, बताओगे मुझे? लड़ो लड़ो। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था टीना, I just mean, मैं सब समझ रही हूँ, ये जरा चला जाए ना, फिर बात करती हूँ तुमसे। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? मैं जैसा हूँ मैं वैसी ठीक हूँ, मुझे दूल्हा बनाकर वहाँ भेजने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या मतलब जरूरत नहीं है? तुमने मरियम को देखा है? कितनी प्यारी है यार। बस ठीक है। और वैसे भी तुम दोनों का फर्स्ट वैलेंटाइन है, जरा अच्छे से तैयार होके जाओ ना यार, टक्कर की जोड़ी लगनी चाहिए। चलो गेट रेडी। नो नो, एक मिनट नहीं, चलो टीना व्हाइट शर्ट प्लीज। चलो गेट इन। ओके वेट वेट वेट, वेट, आई विल हैंड यू द क्लोथ। व्हाइट शर्ट के साथ ना ये बेज कोट भी। अच्छा अच्छा अच्छा, चल चलो। मैं अबे जा रहा हूं यार। तो व्हाइट शर्ट, हाँ लकी चार्म। तुम्हारे साथ भी शायद पहली मतलब मैंने व्हाइट शर्ट ही पहनी थी ना। ये बात जरूरी नहीं है कि दुनिया में कामयाब नजर आने वाला कोई भी शख्स अपनी मोहब्बत के तजुर्बे में भी कामयाब हो।
तो सर आज वैलेंटाइंस के दिन हमें भी कोई टिप दीजिए ना, आज तो मोहब्बत करने वालों का दिन है। मोहब्बत करने वालों के लिए किसी लेबल या किसी दिन की जरूरत नहीं, ये तो वो जज्बा है जो आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता रहता है। अलबत्ता मोहब्बत का अलमिया यही है कि ना तो इसका होना किसी के बस में है और ना ही इसके खात्मे के लिए आज तक कोई इलाज दरियाफ्त हुआ है। सर ये मोहब्बत फिर बड़े घाटे का सौदा है। हाँ, जो सौदा करके मोहब्बत करते हैं वो किसी ना किसी किस्म के खसारे में हमेशा रहते हैं। दरअसल मोहब्बत के बाजार में किसी फ्रीक के पास 50% शेयर से ज्यादा शेयर नहीं होते। यूं समझ लीजिए कि 51% शेयर्स महबूब के पास और 49% आशिक के पास। तभी तो मोहब्बत में महबूब के पास सारा इख्तियार होता और उसी की मर्जी पर हमारी मोहब्बतों का सारा दारोमदार होता। तो फिर सर आशिक से किसी का महबूब बनने का कोई हुनर कोई गुण ही बता दीजिए हमें। बेटा ये गुर तो आज तक मैं खुद भी नहीं सीख पाया। अलबत्ता किसी का महबूब होना इस फानी दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा है, सबसे ऊंची मसनद है। और ये ऊंचा दर्जा, ये ऊंची मसनद जो है, ये चंद खुश नसीब लोगों के हिस्से में आती है। ट्रैफिक में फंस गया था तो थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी, ये तुम्हारे लिए। तुम नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर खड़े हो? खड़े हो? देर नहीं हुई, मैं एक्चुअली टाइम से पहले आ गई थी। बैठो। मगर तुम ऐसे, आई मीन सीधी हॉस्पिटल से आई हो क्या? घर जाने का मौका भी नहीं मिला। आर्यन, एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ कहना है जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ बुला कर लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को आराम से और इत्मीनान से सुनो। क्या हो? Why are you sounding so strange? तुमने तो मुझे यहाँ पे बेसिकली यू नो मैं तुमसे बड़ी हूँ। हाँ तो फिर? फिर मतलब हमारा एज डिफरेंस है एक। मरियम, यू नो बाबा कहते हैं कि एज सिर्फ एक नंबर है। तुम्हारे बड़े होने में तुम्हारा सिर्फ इतना ही कमाल है कि तुम चंद साल पहले किसी और घर में पैदा हो गए, और मेरे छोटे होने में मेरा सिर्फ इतना ही कसूर कि मैं थोड़े अरसे बाद किसी और घर में नमदार हो गया। तो इसमें क्या है यार? और वैसे भी इन पुरानी बातों को नहीं मानता मैं। पुरानी बातें तुम्हारी। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि तुम्हें देखकर मेरा दिल अजीब तरह धड़कता है। जो आज से पहले कभी इस तरह नहीं धड़का। आर्यन, मैं तुम्हें, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते?
अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है तो मैं आंधा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मुझे सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट मत करो कि हमारे उम्र में चंद सालों का फर्क है। You were so caring, Maria. जिस तरीके से तुमने मेरे हाथ पर पट्टी की, आर्यन सब डॉक्टर्स केयरिंग होते हैं। तुम किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो तुम्हें सब डॉक्टर्स ऐसे ही मिलेंगे। और सिर्फ सिर्फ एज डिफरेंस एक प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी जिंदगी के बारे में तुम्हें नहीं पता। क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? अगर है तो मुझे बता दो, ने सारे पुराने रवैयों की माफी मांगकर यहां से उठ जाऊंगा। मगर तुम मेरे लिए ऐसी स्पेशल रहोगी। है नहीं, था, हमारा ब्रेकअप हो गया। हाँ तो ये तो माजी की बात हो गई ना। बता कर तुम अभी भी उस शख्स से मोहब्बत करती हो तो? नफरत करती हूँ उससे। But that's not the point. Point कुछ और है आर्यन। मेरी जिंदगी में मेरा एक छोटा भाई है, और जो सब कुछ मेरे साथ हुआ उस हादसे के बाद, आर्यन वो मेरे लिए एक मैच्योर और एक सोबर इंसान एंटिसिपेट करता है, और मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती क्योंकि बस वही मेरी फैमिली है। वो तुम्हें कभी भी तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तुम्हारी किसी बात ने इस बात पर कायल नहीं किया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते। रही बात तुम्हारे भाई की, तो मैं तुम्हारी इस फीलिंग को रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन अगर तुम उसकी अप्रूवल चाहती हो तो मुझे उसे मिलवा दो, मैं उसे भी कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। और बोलो, मैंने कहा ना, सिवाय इसके कि तुम मुझे खुद ना पसंद करके रिजेक्ट कर दो, जो कि तुम्हारा हक है, मैं किसी और बात से कन्विंस नहीं हो सकता। आर्यन, मैं तुम सुन रहे हो तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें यहां कुछ समझाने आई थी। तुमने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया है। मैं मेरा मकसद तुम्हें कंफ्यूज करना या अपने किसी लॉजिक से उलझाना नहीं है। मेरे दिल की सिर्फ एक ही बात है, साफ और सीधी, कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। और अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आइंदा कभी तुमसे रابطہ नहीं करूंगा। ये फैसला तुम्हारा अपना होना चाहिए, तुम सोचकर जवाब दे देना। मगर उससे पहले तन्हाई में बैठकर अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना कि क्या तुम्हें मेरी उम्र से मसला है या अपने भाई की नाराजगी से डरती हो? मेरी साथ से कोई परेशानी? और फिर जो जवाब आए जाके बता दें, मैं तुम्हारे हर फैसले का एहतराम करूंगा। जिंदगी आवारगी है, जिंदगी आवारगी।
सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट मत करो कि हमारे उम्र में चंद सालों का फर्क है, सिवाय इसके कि तुम मुझे खुद ना पसंद करके रिजेक्ट कर दो, जो कि तुम्हारा हक है। मैं किसी और बात से कन्विंस नहीं हो सकता। तन्हाई में बैठकर अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना कि क्या तुम्हें मेरी उम्र से मसला है या अपने भाई की नाराजगी से डरते। जो जवाब है जाके बता दें। ओ भाई रिलैक्स रिलैक्स। हमने तुम्हें वहां मरियम को अपने दिल की बात मनाने भेजा था और तुम उसे उल्टा सवाल नामा थमा के आ गए कि जो फैसला करना है करो। मेरे भाई, दिल के मामलात में किसी के सर पर सीधी तलवार लेके खड़ा नहीं हुआ करते। तुम्हें और क्या करता? कभी उसको हमारे उम्र के फर्क से परेशानी होती है, कभी उसको अपने भाई और दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। उसको तक कंफ्यूज लड़की नहीं समझता था। ऐसे लड़कियां अक्सर ऐसे मौकों पर कंफ्यूज हो ही जाती हैं। पर तुमने अच्छा किया कि फैसला मरियम पर छोड़ दिया। मैं मरियम की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अच्छा, तुम इसकी हिमायत कर रही हो? अगर उसने इनकार कर दिया तो? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो, एक लड़की दूसरी लड़की की आंखों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकती है, और मैंने मरियम की आंखों में आर्यन के लिए रिस्पेक्ट देखी है। अब ये इज्जत मोहब्बत में बदलते ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या लगता है हो जाए? इंशाल्लाह। यार ऐसा क्या गलत कह दिया आर्यन ने? ऑनेस्टली मैं उसकी मैच्योरिटी से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। जिस शख्स को हम इतना लावली और लड़ाकू हॉट हेडेड समझते थे, उसने कितनी तरीके से अपना लॉजिक तुम्हें समझा दिया और लाजवाब कर दिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और आज ये बात मैं हरगिज तुम्हें तंग करने या मजाक में नहीं कह रही हूँ। मालक, मैं यही तो कह रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी
ऐसे लड़के की बात के सामने लाजवाब हो जाऊं? I'm just speechless. तुम उसकी सच्चाई है ना? It's his honesty. उसने सादगी और खुलूस से अपने दिल की बात तुमसे कह दी. यार क्या बुराई है आर्यन में, बताओ? गुस्से का तेज है लेकिन क्यूट है, सच्चा है. ऑनेस्टली मुझे तो वो मोहब्बत का तरसावा लगता है. बस इतना सच्चा आदमी तुम्हें और कहां मिलेगा यार? मालब, लिसन, तुम बात को समझ नहीं रहे. मैं जानती हूं कि वो बहुत प्योर है और शायद उसकी ये प्योरिटी मुझे पसंद है. पर मालूम, that's not the point. घर पे शेरी है यार. मैं शेरी को क्या कहूंगी? मैं सोच भी क्या रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, ये सही तो नहीं है ना. तुम हर बात का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्यों सोचती हो पहले? शेरी को उससे मिलने तो दो, क्या पता वो उसे पसंद करे. वो भी तो अपनी बहन के लिए एक मुखलिस शख्स ही ढूंढ रहा है ना. और सोसाइटी को मैं क्या कहूँ? जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, ओपिनियंस, इतनी सारी बातें, मैं किस किस का मुंह बंद कराऊंगी, बताओ. यार लोग जाएं भाड़ में. अगर उसकी आवाज तुम्हारे दिल पे दस्तक देती है तो उसे अंदर आने दो, अपने दिल का दरवाजा खोल दो. उसके फ्लावर्स मैंने वहां रखे हुए, जाके उन्हें देखो, टच देम, स्मेल देम, और फिर जो तुम्हारा दिल कहे वो फैसला करो. ठीक है? शेरी, तुमने मेरे कमरे को फिर उल्टा सीधा कर दिया है। हाँ, वो बताया था ना, मैंने पैसे चाहिए थे मुझे। तो मैंने भी तो कहा था कि साइड टेबल की ड्रॉअर में हैं। हाँ, लेकिन कम थे ना, इसलिए मैं ढूंढ रहा था। तो और दे देती, लेकिन एटलीस्ट अलमारियों में तो मत घुसा कर। सॉरी यार। क्या देख रहे हो? Pursuit of happiness. चाय बना दूं? नहीं. कॉफी? नहीं, कॉफी भी नहीं. Yes. तो क्या हुआ? क्या हुआ? Why are you acting so weird? No. कुछ नहीं, मैं तो मुझे तो मैं किसी से मिलवाना है. मिलवा दो. उसमें क्या है? वीकेंड पर फ्री हो?
हाँ हो जाएगा वीकेंड, वाई? हाँ वीकेंड पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मानव को मैंने कहा है कि मेरी शिफ्ट स्विच कर ले और फिर तुम भी फ्री हो तो ठीक है। शाम 6 बजे कब बोल दूँ? Do you want me to meet someone special? नहीं नहीं हो जाएगा। वैसे ये अचानक कौन आ गया? आर्यन मुझे तुम्हें एक बहुत बुरी खबर देनी है। बोल भी दो यार, वैसे मेरा दिल आजकल बहुत कमजोर होता जा रहा है। बुरी खबर ये है कि तुम्हें शाम कल 5 बजे हमारे घर आना है। What? मैंने शेरी से बात कर ली थी, पर सुनो तुम अपना सारा गुस्सा अपने घर पर छोड़ कर आना, किसी भी किस्म का एटीट्यूड हमारे घर मत लाना। नहीं तुम हंसो नहीं, लुक एट मी, मैं बात कर रही हूँ तुमसे। शेरी एक मुंहफट किस्म का लड़का है, वो बस अजीब सा है और वो तुम्हें टीज करने के लिए बहुत सारी बातें करेगा, बट यू जस्ट लेट इट गो। मैं ख्वामखा थोड़ी ना लोगों से लड़ता फिरता हूँ। पर एनीवेज कल तुम्हें एक नया आर्यन मिलेगा, कूल एंड काम। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है फिर तैयारी पकड़ लो क्योंकि कल का दिन तुम्हारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो तुम मुझे इम्तिहान में कामयाब होने की दुआ नहीं दो? बिल्कुल करूंगी। मैं दुआ करती हूँ कि कल का दिन तुम्हारे लिए कामयाब हो। आमीन आमीन। को ही प्यार से मैं देखा करूं इश्किया नजरों से, तेरा ही साथ है जो देता पल पल खुशी, बस तेरा साथ हो जिंदगी, रब से हूं रहा हूं। आई एम शेरी।